गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं रिजा पाठक। हाँ तो मैं फिर से आ चुकी हूँ, आप देख सकते हो कैमरा वाले फूड ट्रक के पास। एंड ये मेरा सेकंड डेज है, जिस दिन ओपनिंग हुआ था उस दिन फर्स्ट टाइम हम ही इनका ब्लॉग बनाए थे, है ना। yes. और उस दिन से रफ्तार मतलब पकड़ ही लिया, उस दिन का बहुत सारा आपका वायरल हो रहा है वीडियो मैंने देखा। हाँ तो जिस दिन मैं आई थी ना उस दिन यहाँ पे कुल्लड़ पिज्जा नहीं था, तो इनका जो कुल्लड़ पिज्जा ना वो बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है और हम टेस्ट भी करने के लिए स्पेशली यहाँ पे आए हैं। तो रोशनी जी से कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं, इनका नाम ना रोशनी जैन है, राइट ना। जी रोशनी जैन। हाँ, तो बताइए कुल्लड़ पिज्जा मतलब कैसे माइंड में आया, कहाँ से आइडिया आया? कुल्लड़ पिज्जा तो आप जब पहली बार आई थी उस समय एक्चुअली हम लोग सर्विस स्टार्ट नहीं किए थे, डे वन से, लेकिन मेन्यू में था हमारे यहाँ डे वन से। और कुल्लड़ पिज्जा जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक एक्चुअली कुल्लड़ जो भी बहुत ट्रेंड में है सभी जगह से, बोला जाता है कि आजकल पोर्टर्स को ज़्यादा पैसे मिलने लग गए क्योंकि अभी कुल्लड़ बहुत ज़्यादा दे अर्निंग मोर पहले के मुताबिक, बिकॉज अभी कुल्लड़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इसकी वजह से हम लोग ने सोचा कि कुल्लड़ जब चाय के लिए यूज़ हो सकता है तो क्या पता पिज्जा खाने के लिए क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल पिज्ज़ा के लिए क्यों नहीं हो सकता। तो हमने कुल्लड़ में पिज्ज़ा, पास्ता, मोमोज, मैगी और कॉफ़ी, ओ माय गॉड, मतलब मुझे तो लगा था पाँचों टाइप का सामान है। तो कुल्लड़ पिज्ज़ा, पास्ता और मोमोज हमारा बहुत ट्रेंड में है अभी, लोगों को पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। पिज्ज़ा तो एक्चुअली लोग सोचते हैं कि वो मतलब क्रिस्प बाइट आना चाहिए, जो हमारे दिमाग में है पहले से ही कि पिज्ज़ा कैसा होता है। अभी कुछ नया टाइप का पिज्ज़ा सर्व कर रहे हैं तो वो कुछ कुछ डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा हो जाता है कि यार कुछ नया क्रिएटिविटी, बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है, सबका अपना अपना टेस्ट बड्स। बट यहाँ पे कुल्लड़ पास्ता जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, कुल्लड़ मोमोज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और कुल्लड़ पिज्ज़ा तो है ही, जैसे सबको को पता है कुल्लड़ पिज्ज़ा है एक, तो वो है। तो बाकी तीन चीज़ और भी है, देख जैसे हमारा कुल्लड़ का कॉफ़ी है, जो हॉट कॉफ़ी हम लोग सर्व करते हैं, हॉट चॉकलेट भी हम लोग कुल्लड़ में सर्व करते हैं, और बेक्ड जितना भी सामान है जैसे बेक चीज़ पास्ता हुआ या कुछ भी हुआ तो हम लोग वो सभी कुल्लड़ में ही सर्व करते हैं। तो वो मिट्टी की खुशबू एकदम प्रॉपर हर एक चीज़ में आती है, इसकी वजह से हमने सोचा कि मिट्टी की खुशबू को इस बार खाने के सामान में डालें, तो बस इसीलिए हमने बनाया कुल्लड़ पिज्ज़ा, पास्ता, मोमोज और मैगी भी। अच्छा, ये जो कुल्लड़ पिज्ज़ा है ये एक ही वैरायटी का है या फिर अलग अलग? नहीं, हमारे यहाँ पूरा एक ही वैरायटी का ही है, मिक्स्ड वेज है प्लस पनीर और बाकी पिज्ज़ा बेस और बाकी बहुत सारे सॉसेस ये सब भी है उसमें। और कैसा मतलब पब्लिक का रिस्पांस मिला? मैं यहाँ पे डेढ़ घंटे से हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर हैं जो कि वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर के, ठीक है ना। yes. और हाँ, आप ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट में करवाइए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। हाँ, काफ़ी एक्चुअली हम लोग लेट हो गए थे आज बिकॉज हम लोग का 2 बजे का टाइमिंग है, दो दिन ऑफ था हमारा ऑलरेडी, तो इसकी वजह से अभी थोड़ा प्रोसेस स्लो चल रहा है बिकॉज कुछ सामान घट रहा है कुछ ये आज मतलब 2 दिन एक्चुअली, एक तो नया बिजनेस एकदम ही, और फिर 2 दिन पहली बार बंद करने के बाद कैसा तीसरा दिन होता है वो पहली बार पता चला है कि तीसरा दिन में एक्चुअली क्या होता है नया। तो क्योंकि आप बहुत किस्मत वाली हैं, एकदम न्यू कार्ट है ये, ठीक है ना, और उस पर इतने सारे लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं आपके कुल्लड़ पिज्ज़ा को, तो आप भी थोड़ा सा इसमें फुर्ती दिखाइए अपना। एकदम फुर्ती तो है ही, नो डाउट, बट वही है कि आज 2 बजे का खुलने का कार्ट है, वो 4 बजे खुला है, तो इसके वजह से लोग रश में हैं ऑलरेडी कि भाई 2 बजे का टाइमिंग था, आपने 4 बजे खोला आज, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ है। बाकी और कुछ ऐसा सुनने में आया कि कुल्लड़ मोमोज ये फर्स्ट टाइम ना पटना में वो फर्स्ट टाइम है कुल्लड़ पास्ता और मोमोज। अच्छा। ये कहीं पे भी आपको और नहीं मिलेगा, वो यहीं मिलेगा। अच्छा। और ये सारा चीज़ आप सीखी कहाँ से हैं, लाइक ऐसे यूट्यूब से या फिर कहीं और से? फूड जॉनर एक्चुअली हमें बहुत पसंद है, मेरी पूरी फैमिली को बहुत मतलब, मेरी अपनी सिस्टर उसको भी खाना बनाना और खाना खाना बहुत शौकीन है वो भी, तो अब फर्स्ट डे आए थे तो वो भी थी, अभी तो वो दिल्ली में है, तो बस इसी मतलब पार्टनरशिप पे था ना आपके ये कार्ड, आधे रास्ते में छोड़ के चली गई? नहीं, पार्टनरशिप मेरा फर्म जिसका जिसके साथ है वो मेरा फ्रेंड है, ही इज हियर ओनली इन पटना, अभी वो घर पे है, बाकी मेरी सिस्टर सिर्फ और सिर्फ इनॉग्रेशन के टाइम पे आई थी, वो वापस आएगी 2 महीने बाद अपना सब चीज़ कम्प्लीट करके, तो फिर वो यहीं रहेगी। अच्छा, इनकी फैमिली ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, जैसा कि मैंने अभी देखा अंकल जी खुद, इनके पापा जी अभी यहाँ पे सब कुछ कर रहे थे, बिल बना रहे थे। मेरी पूरी फैमिली सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आप दशहरा के टाइम पे आते, मेरी मम्मी, मेरे मतलब अगल बगल वाले लोग भी यहाँ पे एकदम प्रॉपर पूरे टाइम खड़े हुए थे। यहाँ पे ऐसा हो गया था कि टोकन सिस्टम मिलने लग गया था उस टाइम पे, तो मतलब लोग आवाज़ कॉल आउट करते थे, नंबर देने लग गए थे, मतलब पर डे के अराउंड उनका 500-600 कुल्लड़ बिक रहा था। अच्छा। मतलब इस टाइप का रश था यहाँ पे उस टाइम पे। अच्छा, और सब प्राइजेस बता दीजिए, क्या क्या प्राइजेस है? 119 का कुल्लड़ पिज्ज़ा है, 129 का कुल्लड़ मोमो है, 119 का कुल्लड़ पास्ता भी है।
अच्छा, वो जो ऑफर चल रहा था वो ऑफर अभी भी चल रहा है 10% वाला? 10% ऐसे हम लोग कस्टमर जो दोबारा आते हैं ना उनको जरूर देते हैं, जिनके पास वो कार्ड रहता है। हाँ, जिनके पास वो कार्ड। थैंक यू सो मच, इन्होंने बहुत मतलब इतने लोगों के बीच में टाइम निकाल के मेरे पास आई और 5-10 मिनट दी। थैंक यू सो मच रोशनी। थैंक यू सो मच आपको आने के लिए। सो गाइस, आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे आ चुका है कुल्लड़ पिज्जा एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो, एंड बहुत मुश्किल से मुझे मिली है। बहुत टेस्टी लगा, बहुत मेहनत बेचारी कर रही हैं एंड ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। तो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और लेट हो रहा है हॉस्टल के लिए, तो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, यही थी वीडियो, आज की वीडियो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।